नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर सांसद शंकर लालवानी सोमवार दोपहर इंदौर रेंज आईजी हरनारायण चारी मिश्र से मुलाकात करने पहुंचे। शंकर लालवानी शहर में बढ़ते अपराधों से नाराज थे। बीते दिनों शहर में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के अतिरिक्त रविवार रात मल्हारगंज इलाके में चौराहे पर हुई हत्या से वो बेहद नाराज थे। सांसद ने इन सब की शिकायत के साथ साथ आईजी को डीआईजी के साथ सड़कों पर रहने की नसीहत तक दे डाली। बहरहाल इंदौर आईजी हरनारायण चारी मिश्र ने सांसद से मुलाकात के बाद जल्द जिले के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर समीक्षा करने की बात कही। दरअसल इंदौर सांसद शंकर लालवानी सोमवार दोपहर आईजी दफ्तर पहुंचे। बकायदा उनके दफ्तर से इसकी सूचना पूर्व में मीडिया को भेजी गई थी। सांसद खुद इस मीटिंग को गोपनीय नहीं रखना चाहते थे। सांसद के मुताबिक उनकी मीटिंग शहर में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर थी। उनका आरोप था कि शहर में लगातार कुछ वारदात बढ़ रही हैं। रविवार रात चौराहे पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ समय से सांप्रदायिक घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। इसी तरह कई घटनाओं का सांसद ने उल्लेख किया। इतना ही नहीं, सांसद इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने बताया कि उन्हें जनता से कई बार इस तरह का फीडबैक मिलता है कि उनकी थानों पर समय रहते सुनवाई नहीं होती और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी नहीं होती। लिहाजा सांसद पुलिस की कार्यप्रणाली से भी खुश नहीं है, वो इसमें बदलाव चाहते हैं। उन्होंने लगे हाथ सुझाव भी दे दिए कि खुद डीआईजी और आईजी सड़कों पर रहना चाहिए, रात्रि गश्त प्रभावी होना चाहिए। सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के संदर्भ में आईजी इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात कर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की बात की है। इन दिनों अपराध बढ़ रहे हैं, एक दो दिनों में ही गुंडों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात की है। पुलिस अधिकारी की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। पुलिस बूथ नहीं था, वह भी एक भ्रामक खबर का हिस्सा था। मुख्तार को ट्रैफिक का एक पुराना 2008 का एक छोटा सा शेड है, जिस ट्रैफिक शेड में हम जानते हैं कि ट्रैफिक के जो जवान होते हैं वो दिन के समय लगते हैं, दिन के समय रहते हैं, ट्रैफिक के वो पॉइंट्स शाम को नहीं लगते हैं। और वो पुलिस का बूथ न होकर एक ट्रैफिक बूथ था, जिसके बारे में एक व्यक्ति को लेकर के किसी ने सोशल मीडिया में उसको लेकर के भ्रामक खबर चलाई, वो भी खबर निराधार थी। बहरहाल पुलिस की सभी लोग सतर्कता से, काफ़ी गंभीरता से, तत्परता से कार्रवाई करें, इसके लिए लगातार सबको निर्देशित किया था। इस बारे में कल एक बैठक भी आयोजित की गई है। उस पर कल की घटना के बारे में उन्होंने चर्चा की। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक ने एक 75 रुपए के लिए हुए विवाद में दूसरे व्यक्ति को एक रोड से मार दिया था, जिसमें उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। मुख्य तौर पर पुलिस ऐसी घटनाओं को लेकर के काफी सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उस घटना में भी तत्काल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल पूरी कानून व्यवस्था और अपराधों को लेकर के पुलिस सक्रिय है, लगातार इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पूर्व में भी कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन सारी घटनाओं में पुलिस ने तत्परता से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। कल की जहां तक घटना का है, घटना आकस्मिक तौर पे थी। घटना में मुख्य तौर पे दो लोगों के बीच में एक 75 रुपये का विवाद था और उसमें यह घटना हुई। सोशल मीडिया में कई जगहों पर उसकी भ्रामक खबरें चली, जैसे कि उसमें खबर आई कि कई लोगों की मृत्यु हो गई या कई लोग 15 लोग घायल हो गए, ये भ्रामक खबर चलाई गई। निश्चित तौर पर पुलिस उस बारे में भी जांच कर रही है कि मुख्य तौर पर जानबूझ के घटनाओं को अतिरंजित करके, एग्जीग्रेट करके और किया जाना ये भी उचित नहीं है। मुख्यतः हर घटना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, संवेदनशीलता से पुलिस कार्रवाई करती है और इस तरह की संवेदनशीलता को और बढ़ाने के लिए और कठोरतम कार्रवाई करने के लिए कल हमने यहाँ पर इंदौर में एक बैठक भी आयोजित की है, जिसमें मुख्य तौर पर सभी अधिकारियों के साथ एक चर्चा की जाएगी कि ऐसे घटनाओं में तत्परता से और कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित करें। विशेष मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आईजी क्या? पिछले कुछ दिनों में कुछ बातें से ध्यान में आ रही है, खास करके कानून व्यवस्था को देखते हुए, चाहे सांप्रदायिक का माहौल हो, चाहे हमने कल देखा किस प्रकार नशे की हालत में उन्होंने रॉड मारी या जो भी करा कि हत्या हुई। थोड़ा कानून व्यवस्था को लेके हमने कहा है कि स्थिति थोड़ी, जो स्थितियां हैं उसको हमें टाइट करना पड़ेगा और गुंडों के खिलाफ अभियान भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शहर है शांति का टापू है, पूरे देश में इंदौर की ख्याति है और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में हो, आईटी के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, स्वच्छता के क्षेत्र में हो, व्यापारिक केंद्र हो, सब में इंदौर नंबर वन रहता है। पर अगर ऐसी स्थितियाँ बनेगी तो बाहर से जो लोग आते हो उसमें जो हमारे इंदौर का इम्प्रेशन है वो ठीक नहीं रहता। मैंने अपनी बात नाराज़गी स्वरूप उनके सामने रखी है और मैंने कहा इस शहर में कानून व्यवस्था सख्ती से पालन होना चाहिए और ये आने वाले एक दो दिन में दिखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र ही नीचे स्तर तक इसकी समीक्षा भी करेंगे
और प्रयास करेंगे कि रात्रि ग्रस्त होए वो हो। और मैंने कहा वरिष्ठ अधिकारी सड़क पर रहना चाहिए, हमारे जवान तो रहते ही लेकिन जवान के ऊपर भी TI, CSP, SP और यहाँ तक कि DIG, IG को भी कभी कभी राउंड लेना चाहिए शहर में, ताकि उनको वस्तुस्थिति की जानकारी लगे। मुझे लगता है मैंने अपनी सब बातें उनके सामने रखी है, आशा करता हूँ कि जो बातें रखी है उस पर क्रियान्वयन होगा। अपराध की तरफ अधिकारियों का ध्यान नहीं है? देखिए होगा, लेकिन जो जनता की तरफ से फीडबैक आ रहा है, कुछ बातें जनता ने कही कि हम थाने पर जाते हैं तो जो सुनवाई हमारी होनी चाहिए उस रिएक्शन जो एक्शन लेनी चाहिए पुलिस में, उस कभी कभी देरी हो जाती है, जो उसके कारण भी अपराध बढ़ते हैं। तो जो जो जनता ने मुझे ध्यान में लाया, मैंने सभी बातें उनसे की है और मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में वो बातें दिखे मुझे। जी, ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से कल घटना सामने आई तो जो जवाबदार थाना प्रभारी CSP उनका कोई उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 5 जगहों पर चौराहे लगते हैं और वो उत्पात मचाते हुए वहां तक पहुंचे। देखिए उसके लिए भी बात हुई है और उसके अलावा भी बात हुई है और मुझे लगता है जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में ही, संभावना है कि कल ही हम सभी की बैठक बुलाएं और निर्देश जो जो देने हैं वो दे देंगे। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, मैंने कहा है, सप्ताह भर बाद फिर हम समीक्षा करेंगे। सालों से रहते अधिकारियों पर किसी तरीके की कार्रवाई यहाँ से रुक सकते? देखिए जो हमारे शासन स्तर पर करना है वो हम करेंगे, जो पुलिस प्रशासन को करना है वो उनको करना है और उनको मैंने बता दिया है। अंकल भाई, लंबे समय से देख रहे हैं कि पावों पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और पावों से जो है अराजकता ज़्यादा फैलती है। मैंने उनसे कहा है कि रात्रि में जो गश्त है वो बढ़ाई जाए और रात्रि में भी पुलिसिंग होना चाहिए और मुझे लगता है रात्रि में जब पुलिसिंग होगी तो इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं वो कंट्रोल होगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।